लोकार्पण कार्यक्रम में मंच से भड़के कांग्रेस विधायक। अनूपपुर जिले के नगर पालिका कोतमा में 14 करोड़ के सड़क और तालाब कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में एक साथ दिखे भाजपा के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह और कांग्रेस विधायक सुनील सराफ। मंच पर भाषण करने का मौका न देने पर नाराज हुए कांग्रेसी विधायक सुनील सराफ। मंत्री द्वारा नगर पालिका के लोकार्पण के कार्यों को कांग्रेस विधायक ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित होना बताया। नाराज विधायक ने कहा कि भाजपा ने किया जनता का अपमान। नाराज विधायक ने बीच कार्यक्रम में मंच से किया विरोध और किया मंच का त्याग। जो सड़क को मैंने स्वीकृत कराया था उस बैठक में माननीय बिसाहूलाल जी भी थे और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उसको किया था, प्रभारी मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी। आज उसे अपने नाम से छोड़ रहे, विधायक को बुला के विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप अपनी बात कह रहे हैं, कह दो आप पूरा नगर आपने बसाया है, आप अपने मुँह से कुछ भी कह दो, कोई तरीका होता है? भाइयों बहनों, ये मेरा अपमान नहीं, कोतवा क्षेत्र के 1.5 लाख जनता का अपमान है, 1.5 लाख मतदाता का अपमान है, ये तानाशाही है और ये तानाशाही दोबारा नहीं चलेगी। वही मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के कोतमा विधायक सुनील सराफ पर हुए हमले व तंज कसते हुए कहा कि रात्रि के लगभग 2 बजे बिना सुरक्षा गार्ड के ऐसा कौन सा काम करने गए थे कि उन पर हमला हो गया। जनप्रतिनिधियों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आधी रात को मार खानी पड़े। और जनप्रतिनिधि तो अक्सर 1:30-2 बजे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ तब 3-4 बजे तक कोई मीटिंग हुआ तो रहते हैं। अभी 1:30 बजे घूमने का क्या उचित है जी? और गार्ड को अलग कर तो ये मैंने कहा कि भाई हमको बड़ा दुख लगा कि हमारा आज विधायक मार खाए, उन्होंने खुद बताया जी, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि है। वो भी दूसरा ऐसे कुकर्म नहीं करना चाहिए जिसमें मार खाने की नौबत। NBC न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट।